हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे क्लास में हम सीएमए फाइनल का एक पेपर है एसपीएम एंड बिजनेस सॉल्यूशन, जो पेपर नंबर 20 है उसकी मॉड्यूल की ये देख लो, ये शक्ल ये है मॉड्यूल की। इसके अंदर एक टॉपिक है आपका टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आई थिंक पेज नंबर 90 के आसपास है। यहाँ से ये स्टार्ट हम इसको समझेंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन है, ये अच्छा खासा हमारे एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, डायरेक्ट बताता हूं मैं, हमारे जितनी काम की चीज़ें हैं मैं वही बात करूंगा, ठीक है। तो भी बोलना चाहूंगा कि जैसे इसमें हम जो कुछ भी हम सीखेंगे टेक्निक्स, जो सॉल्व करने के क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स बोलूंगा मैं इसको, तो हम उसको सबको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन हमारे पास होगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, उसको कैसे कैसे सॉल्व करना है। अगर कोई पॉइंट बीच में आता है तो मैं उसको वहाँ बताऊँगा कि ये ऐसा पॉइंट है, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैं एक मिनट यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। जैसे मेरे पास अगर मैं एक बात करूँ, जैसे कि कोई भी कॉस्ट है, तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है वो उसमें वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों को वेरिएबल और फिक्स्ड को ऐड करने से आ जाती है, इसको हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं। तो टोटल कॉस्ट इस तरीके से आती है। अब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो हमारी आउटपुट के बेस पे होती है, कि हमारा अगर एक यूनिट भी एक्स्ट्रा आउटपुट होता है तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, टोटल कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये आउटपुट पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन आउटपुट, ये हमारी आउटपुट पर बेस्ड होती है। मान लो 10 यूनिट अगर आप बनाओगे तो 10 यूनिट के अकॉर्डिंग पैसे लगेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो 10 रुपए अगर पर यूनिट लग रहा है तो 10 इंटू आउटपुट यानी कि 10 यूनिट, तो 10 इंटू 10 100 रुपये हो जाते हैं। और फिक्स कॉस्ट मान लो उसमें आउटपुट पर बेस्ड है नहीं, फिक्स कॉस्ट उतनी ही लगनी है जितनी हमारी होती है, मतलब उसको आउटपुट अगर आप 10 यूनिट बना रहे हो 12 बना रहे हो तो भी उसमें कोई चेंज नहीं है, तो बेस्ड इसका कोई भी लिंक आउटपुट पे नहीं होता है। तो मैं इसको और तरीके से बता देता हूँ। जैसे हमारे पास मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मेरा जो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है मैं उसी से समझा देता हूँ, डायरेक्ट ही समझाऊँगा, जो जो चीज़ें हमारे काम की है वही समझाएंगे। अब जैसे हमारे पास लिखा है, पहला इलस्ट्रेशन है, हम लिखा है द कॉस्ट ऑफ ए फर्म इज गिवन बाय द फंक्शन सी, ये हमें दे रखा है कॉस्ट फंक्शन, पहला इलस्ट्रेशन है, ये देखा है 4x³ प्लस 9x²² प्लस 11x प्लस 27, ये देखा और आगे लिखा फाइंड द एवरेज कॉस्ट, फाइंड एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के बाद मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और क्या देखा है, और देखा है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज ये हमें फाइंड करना है अलग अलग, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, ये लो सॉल्यूशन, मैं कुछ चीज़ें इसी में समझा दूंगा, ओके। तो सबसे पहले इसने एक फंक्शन दिया, इसको हम कॉस्ट फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। ज़्यादा डीपली बात नहीं करूंगा मैं, डायरेक्टली बात करूंगा क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास इतना ही आता है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का पॉइंट है, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ हमें फाइंड करना है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहली बात, इसमें वेरिएबल ये तो है कॉस्ट फंक्शन, इसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट, ये है 4x प्लस 9x² प्लस 11x प्लस 27, ये हमारे टोटल कॉस्ट है। अब अगर मैं इसमें आपसे बोलूं वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, पहली बात मैंने ऐसे ही पूछ ली, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका मतलब ये है, ये है वेरिएबल, यह है वेरिएबल कॉस्ट और यह है फिक्स कॉस्ट, क्यों, क्योंकि इसका लिंक एक्स से नहीं है और एक्स हमारा आउटपुट है। अच्छा मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन में गिवन है एक्स इक्वल टू आउटपुट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स हमारा आउटपुट ही रहेगा हर क्वेश्चन में। अब मैं इसको आगे कर देता हूँ फटाफट। इसमें सबसे पहले कह रहे हैं एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, एवरेज कॉस्ट का मीनिंग होता है कि मैं यहां से सॉल्व कर देता हूं, पहला एवरेज कॉस्ट,
सिंपल सा है, टोटल कॉस्ट में आप डिवाइड कर दो आउटपुट का, ये होता है एवरेज कॉस्ट। तो आपकी टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या है, ये रही, इसमें आप डिवाइड कर दो एक्स का। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स है, एक्स का डिवाइड मैं करता हूँ, देखो 4x³ + 9x² + 11x + 27 डिवाइडेड बाय, अब आउटपुट कितना है एक्स, तो आप सब में एक्स का डिवाइड, इसमें एक्स का डिवाइड कर दो 4x² हो जाएगा, है ना, 3x³ में एक्स का डिवाइड कर दिया तो एक कम हो गया, 9x दो में से एक कम हो गया, ये लो प्लस एक्स में 11 आएगा, और 27 में डिवाइड करोगे एक्स का तो ये 27 में डिवाइड हो जाएगा। ये एवरेज कॉस्ट हुई है, यानी एवरेज कॉस्ट फंक्शन है। दूसरी बात, ये लो दूसरी बात, दूसरी बात में ये है मार्जिनल कॉस्ट, है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हम जब इस फंक्शन को करते हैं, यानी जो कॉस्ट फंक्शन है इसको अगर अब मार्जिनल कॉस्ट करना है ना, तो इसको आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मैथमेटिकल्स के, मैथमेटिक्स में है ये कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं आपको सिंपल उसको एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन करते हैं डीसी, यानी कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स को, एक्स को रिलेट करके, तो डीसी डिवाइड बाय डीएक्स होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है, तब जाके ये मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसका मतलब ये लिख दिया मैंने, ये लो डीसी डिवाइडेड बाय डीएक्स, ठीक है। तो डीसी डिवाइडेड बाय डीएक्स अगर हम करते हैं, ये है क्या, ये कुछ नहीं, ये डिफरेंशिएशन करने का तरीका है, और आपको यही लिखना है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। इसको कैसे करना है, जैसे ये कॉस्ट फंक्शन है, अब ये कॉस्ट फंक्शन है, मैं आप उस पर कॉस्ट फंक्शन पे आऊँगा, लेकिन मैं उसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। नोट लगा के यहाँ बता देता हूँ मैं डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको, जैसे मान लो आपके पास डिफरेंशिएशन बता दे डी सी डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें अगर मान लो कॉस्ट दे रखा है एक्स की पावर एन, यानी ये लिखा है हमारे कॉस्ट में, तो हम इसको डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, ये एन है, ये एन आगे आ जाएगा और एक्स में जो है ना पावर कम हो जाएगी, एन माइनस वन हो जाएगा, और ये हो गया डिफरेंशिएशन डी सी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन हो गया। कुछ नहीं है, सिंपल है, यहाँ पर जो एक्स के पावर में है वो एक्स के आगे आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ एक्स के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो एक्स की पावर में जो है उसमें से एक कम हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो कॉस्ट लिखी है एक्स की पावर तीन, एक दो चार लिखी है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी सी डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये कैसे होगा, चार आगे आ जाएगा, और x की पावर में क्या हो जाएगा, चार में से एक कम हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 4x³, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब मान लो यहाँ पर है, ये हो गया 4, अब जैसे और बता देता हूँ, जैसे मान लो कॉस्ट इक्वल टू x की पावर में तीन लिखा है, तो क्या करना है, सिंपल है, डी सी डिवाइड बाय डी एक्स, कैसे करना है, तीन आगे आ जाएगा और x में पावर में तीन है, तो तीन में से एक पावर कम हो जाएगी तो दो हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। मैं इसको और बता देता हूँ, जैसे मान लो कॉस्ट है इक्वल टू 4x⁵ लिखा है, तो कैसे करोगे, सिंपल है, 4 तो रहेगा, 4 को तो छेड़ना ही नहीं है, इस 5 को नीचे लाना है, इंटू 5 हो जाएगा, और ये इधर x आएगा, x की पावर में 5 में से एक कम हो जाएगा, तो कराना कुछ नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 × 5 कितना होता है 20, और ये x और 5 में से एक पावर कम कर दो तो ये 4 हो गया, तो ये हो गया डी सी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अगर डिफरेंशिएशन करना है तो जो पावर है और ये जो पॉइंट है यहाँ के एक्स के आगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों मल्टीप्लाई करके इस पावर में से एक पावर कम कर दो, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब मैं इसमें बता देता हूँ, जैसे ये है, अब हमें डीसी डिवाइड बाय डीएक्स करना है, इसको करना है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही यही है, हमारे पास डिफरेंशिएशन कर दो, मार्जिनल कॉस्ट आ गई, तो ये हमारा, ये करो 4 × 3 = 12x, और पावर में कितनी है, तीन पावर है ना, तो अब इसमें एक पावर कम करके लिख दो, हो गया, प्लस 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, और x में दो की पावर है, एक पावर कम कर दो, पावर होगी कम एक, प्लस 11 है और इसकी पावर में एक है, x की पावर में एक है, तो 11 × 1 हो गया 11, और ये हो गया x की पावर में एक है ना, तो एक में से एक गया, हट गया, तो मतलब x हट गया, फिर है प्लस 27, 27 मतलब वो
वे फिक्स है तो उसमें क्या होता है, उसका वो जीरो होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें एक्स नहीं है, ठीक है ना, वो अचर पद है, एक्स नहीं है उसमें, इसलिए एक्स जिसमें एक्स हो उसकी हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जिसमें एक्स नहीं है वो हमारे लिए जीरो हो जाता है, वो हट जाता है। तो ये हमारा डी सी डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। मार्जिनल कॉस्ट इसी प्रकार इसी तरह से निकाली जाएगी, डी सी डिवाइड बाई डी एक्स। अब डी सी डिवाइड बाई डी एक्स कैसे करना है, मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 12, एक्स की पावर 3 में से 1 कम कर दो, पावर स्क्वायर आ जाएगी, प्लस 9 एक्स स्क्वायर, तो 9 इंटू 2 कितने हो गए 18, और एक्स की स्क्वायर में से एक कम हो गया तो एक्स बच गया, प्लस 11 एक्स है तो ओनली 11 आएगा क्योंकि एक्स पर पावर 1 है और उसमें से एक कम हो गया तो हट गया, और 27 का जीरो रहता है हटा दिया। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट, ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट। चलिए अब हम लेते हैं सेकंड हो गया ना थर्ड, ये लो थर्ड। थर्ड में क्या लिखा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो किसी भी कॉस्ट का अगर वेरिएबल सॉरी एवरेज करना है ना तो आपको आउटपुट का डिवाइड करना है, सिंपल है। अब देखो जैसे ये लिखा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो पहले वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए, उसमें एवरेज कर दो यानी एक्स का आउटपुट कर दो। तो ये मैं लिख रहा हूँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मैंने बता दिया, ये इतनी है वेरिएबल कॉस्ट, तो इसमें एक्स का डिवाइड कर दो, तो कुछ नहीं है, जो जो एक्स है उसमें एक एक एक्स कम कर दो, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11 ओनली, बस हो गया। फिर है 4 में है एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट में x का डिवाइड कर दो, एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो जो फिक्स कॉस्ट है उसमें आउटपुट का डिवाइड कर दो, तो ये हो गया हमारा 27, उसमें डिवाइड कर दो x का, ये हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट हो। तो देखो एवरेज कॉस्ट तो होती है टोटल कॉस्ट में एक्स का डिवाइड कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट होती है डिफरेंशिएशन कर दो कॉस्ट का, जैसे ये मार्जिनल कॉस्ट है तो कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, मार्जिनल प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का डिफरेंशिएशन कर दो, मार्जिनल रेवेन्यू होता है तो रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन कर दो। तो मार्जिनल जब भी किसी चीज का करना निकालना है तो वो डिफरेंशिएशन से आ जाएगा, ये अलग चीज हुई है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट में एक्स का डिवाइड कर दिया, एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गई, फिक्स कॉस्ट में एक्स का डिवाइड कर दिया। ये एकदम बेसिक चीज थी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ये बेसिक चीज मैंने बताई आपको, है ना। तो इसके बाद हम करते हैं, मैं अब ना सेकंड इलस्ट्रेशन लेता हूँ, है ना, हम इलस्ट्रेशन सारे करेंगे, बस नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। मैं चीजें आपको क्वेश्चन से ही समझाऊंगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा मेरे रीजन। लो जी मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए, ठीक है, मैं आपको लिख दूंगा जहां तक मेरी कोशिश रहेगी। द एवरेज कॉस्ट ऑफ द फर्म इज गिवन बाय द फंक्शन एवरेज कॉस्ट। ये देखो एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, इसमें लिखा है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 11x, ये एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है फाइंड टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट और जो x है वो आउटपुट है। ये तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ओके, हमारे पास सामने सेकंड इलस्ट्रेशन, अब हम इसको कर देते हैं। सिंपल सी बात है, एवरेज कॉस्ट कैसे आती है, डिवाइड करने से आती है। ये देख लो, इसमें आपने आउटपुट का डिवाइड किया था, x का डिवाइड किया था, लेकिन अब ये क्या कह रहा है, हमारे पास एवरेज कॉस्ट दी हुई है, आप टोटल कॉस्ट निकालो, इसका मतलब इन दोनों का इंटू करना पड़ेगा। एकदम सिंपल है, एवरेज कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो ये टोटल कॉस्ट फंक्शन हो गया, इसमें आपको एक्स से इंटू करना है, तो एक्स का पावर में 4 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, 11 स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई, पहले नंबर का आंसर हो गया। सिंपल है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। दूसरा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब ये बोल रहा है एवरेज कॉस्ट, ये क्या कह रहा है,
एवरेज कॉस्ट है ये। अब ये कह रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट ये है और ये पूरी ही वेरिएबल है, इसमें आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो वो एवरेज कॉस्ट के बराबर ही है क्योंकि ये एवरेज, तो टोटल कॉस्ट सॉरी ये कह रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट लेके एक्स का डिवाइड कर दो, ये पूरी वेरिएबल कॉस्ट दिख रही है ना क्योंकि इसमें अचल पद नहीं है, सब में एक्स है, तो आप टोटल कॉस्ट में डिवाइड कर दो आउटपुट का, एक्स फोर में डिवाइड करो एक्स का, तो हो गए एक्स थ्री, बारह एक्स माइनस इलेवन एक्स के पावर में एक, बस ये बराबर आ गया, सेम आ गया, हाँ आ गया तो आ गया, इसमें क्या दिक्कत है, वो एक्स है वो बराबर ही है, उसमें फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो क्या करें। तीसरा, तीसरा जो है वो ये कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट, ओके हमेशा ध्यान रखना है मार्जिनल कॉस्ट अगर वो बोल रहा है तो कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करना है, तो आपकी कॉस्ट ये है न कि ये, आपकी कॉस्ट ये है तो टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करना है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाई डी एक्स, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन मैं आपको बता चुका हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर एक है एक इंटू चार तो कितना हो गया चार एक्स पावर में कम कर दो एक, एक पावर में कम कर दो, चार में से एक कम हो गया, यहाँ बता रखा है पावर में एक कम हो जाएगी और जो पावर है वो यहाँ से यहाँ जो भी होगा वो उससे इंटू हो जाएगी, ठीक है प्लस ट्वेल्व थर्टी जा थर्टी सिक्स बारह और तीन इंटू हो गए और एक्स की पावर दो हो जाएगी, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। इसके बाद आएंगे माइनस माइनस 11 इंटू टू तो 12 हो गया, 12 की पावर 12x की पावर कितनी होगी एक हो गया, बस खत्म हो गया, ये हमारा एग्जाम इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड था, इसने सिर्फ फंक्शन पूछे थे टोटल कॉस्ट फंक्शन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन और एक मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड है, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड में ये लिखा है द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म गिवन सी, ये लो कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है सी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, ठीक है, और इसने कहा कहा है फाइंड एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एंड व्हाट लेवल विल बी इट विल इट बी। देखो इस क्वेश्चन में यहां से एक चेंजेस आ रहा है, ये बेसिक चीजें हमने देख ली, अब हालांकि ये भी बेसिक है लेकिन ये क्या कह रहा है फाइंड, फाइंड क्या करना है लेवल ऑफ आउटपुट, इसका मतलब ये है एक्स ढूंढना है, आपको हर क्वेश्चन में एक्स दे रखा है, अब ये कह रहा है एक्स को फाइंड करो, एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स कुछ भी हो सकता है दस बीस पचास तीस हजार चार हजार कुछ भी हो सकता है, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, यहां से सॉल्यूशन चेंज हो रहा है, मतलब कुछ चीजें चेंज हो रही, फाइंड लेवल ऑफ आउटपुट इसका मतलब एक्स, ठीक है, एट विच एवरेज एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, ये कह रहा है एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, ठीक है। देखो हमारा जो पर्पज रहता है वो रहता है कॉस्ट को मिनिमम करने का और रेवेन्यू को मैक्सिमम करने का, प्रॉफिट को मैक्सिमम करने का, तो जब कॉस्ट को मिनिमम करने की बात आ रही है तो किसको मिनिमम करना है, जिसको मिनिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन करना है। सर आपने तो कहा था मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करना, हाँ अगर वो क्वेश्चन कहता है मार्जिनल कॉस्ट बताओ तो मार्जिनल कॉस्ट बताने के लिए टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, लेकिन अगर वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिनिमम मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए ऐसा आउटपुट बताओ तब भी डिफरेंशिएशन ही निकालना पड़ेगा, पूरा टॉपिक डिफरेंशिएशन पर डिपेंड कर रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है इसमें लिखा है लेवल ऑफ आउटपुट बताओ विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, मिनिमम करना है किस चीज को, एवरेज कॉस्ट को, तो पहले एवरेज कॉस्ट होनी चाहिए हमारे पास, पहले एवरेज कॉस्ट होनी चाहिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, जिस चीज को मिनिमम करना है वो चीज आपके पास होनी चाहिए,
ये कह रहा है एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करो। अब ये तो कॉस्ट है, इसको मिनिमम नहीं कर सकते, एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो पहले एवरेज कॉस्ट बताओ, एवरेज कॉस्ट सिंपल है, इसमें एक्स का डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन, ये क्या है, ये है एवरेज कॉस्ट। अब हमें क्या करना है, इस कॉस्ट को मिनिमम करना है, इसके लिए हमें आउटपुट सर्च करना है। तो उसके लिए आपको सिंपल है, तो अब आप एक लाइन लिखोगे इन ऑर्डर, यहां एक लाइन लिखोगे इन ऑर्डर दैट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, देन डी सी डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह है कि डी सी डिवाइड बाय डी एक्स करोगे ना तो वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। डी सी डिवाइड बाय डी एक्स, ये डी सी नहीं है, अब मैं यहाँ पे डी वाई लिख देता हूँ क्योंकि ये कॉस्ट नहीं है, ये एवरेज कॉस्ट है। तो डीवाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो एंड द वैल्यू ऑफ डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इज नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा ना, हाँ सॉरी मैं कहाँ पहुँच गया, इन ऑर्डर दैट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, मतलब एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, और डबल डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं उसका, हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है, क्यों करना है वो मत पूछो आप, क्योंकि हमारा काम अभी सिंपली ये है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन पढ़ने शुरू करेंगे तो उसके लिए तो फिर एक दो घंटे लग जाएंगे। आप तो सिंपल बात करो कि पहले आपको dy dx करना है और फिर dy dx स्क्वायर करना है इज पॉजिटिव। देखो मैं करके बताऊंगा, चिंता क्यों करते हो, ये चीज है, इसको मैं डब्बे में डाल रहा हूँ आप बस इसलिए क्योंकि आपको उस पर नजर है। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो समझने का पॉइंट इसी में, बाकी बाद में सिंपल जल्दी जल्दी हो जाएगा, जैसे और बता देता हूँ इसमें। अब मैं बताता हूँ क्या करना, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, सबसे पहले dy डिवाइड बाई डी एक्स कैसे करोगे, dy डिवाइड बाई डी एक्स ये होगा x का दो, एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा, माइनस 4 है, इसके ऊपर 1 है तो 4 आएगा, और x ना गायब हो जाएगा, इक्वल टू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है डिफरेंशिएशन जीरो आना चाहिए। इसको सोल्व करता हूँ, इसको अगर अपन सोल्व करते हैं ना, मतलब आना चाहिए, मतलब वो यहाँ पे जीरो ही है, तो इसको सोल्व करते हैं ना, तो इधर से इधर चला गया, फोर आ गया और टू एक्स हो गया, एक्स बराबर फोर डिवाइडेड बाय टू आ गया, इक्वल टू टू। तो एक्स दो हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और करनी है अपन को, अगेन यहाँ x आ गया ना, x दो आ गया, तो इसका मतलब ये है अगर अपन x को दो मानते हैं और इस एवरेज कॉस्ट में रखते हैं तो ये हमारी सबसे मिनिमम कॉस्ट आएगी, ये हमारे को करना है, ठीक है। ये अगेन में क्या करना है, ये वाला करना है, पहले तो हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, अब डबल डिफरेंशिएशन, dy डिवाइड बाय dx स्क्वायर इक्वल टू, अब ये जो है ना dy dx, देखो एवरेज कॉस्ट से हमने ये डिफरेंशिएशन किया, अब इस डिफरेंशिएशन से जो फंक्शन बना ना, इस फंक्शन से डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको करो डिफरेंशिएट, इसको करेंगे डिफरेंशिएट क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसको करेंगे दो को इंटू करेंगे एक से, तो आंसर आएगा दो, और एक्स गायब हो गया क्योंकि एक्स के ऊपर एक है, एक में से एक कम हो गया, खत्म, चार गायब हो गया क्योंकि चार का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये दो आ गया विच इज पॉजिटिव। Which is positive, hence if x equal to 2, भाई यहां पे प्रूव हो गया कि x अगर 2 होगा, if x equal to 2 then average cost is minimum, यानी कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम आएगी। अब मैं बता दूं एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी, अमाउंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एक ये चीज हुई ना, फिर ये दूसरी चीज हो गई,
एक मिनट, इसको ऐसे मैं नंबर से लिख रहा हूँ लेकिन नंबर डालने नहीं है। फिर ये तीसरी, ये अगेन, और ये चौथी हो गई। हमें जिस चीज़ को एवरेज मिनिमम करना है वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, वो चीज़ हमारे पास है। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ने कर दिया, अब इसका फिर एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया, और ये लाइन आपको लिख देनी है अमाउंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो इसमें एक्स रख के सॉल्व कर दो, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स कितना, दो दो, दो की स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू प्लस सेवन, चार आठ प्लस सात, सात चार ग्यारह में से तीन चले गए तो आठ चले गए तो तीन बचे, यानी एवरेज कॉस्ट इज थ्री। ये हमारा आंसर होता है। यानी कि ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन दिया, फाइंड लेवल ऑफ आउटपुट। आपको हर क्वेश्चन में लेवल ऑफ आउटपुट ही पूछा जाएगा। तो लेवल ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? लेवल ऑफ आउटपुट निकलेगा जिस चीज को भी मिनिमम करना है वो फंक्शन आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं दे रखा तो उसको बना लो, उसके बाद एक डिफरेंशिएशन जीरो होगा और डबल डिफरेंशिएशन इसका पॉजिटिव होना चाहिए कॉस्ट मिनिमम के केस में। हमने डिफरेंशिएशन किया, एक्स निकल के आया, और डबल डिफरेंशिएशन किया तो वो पॉजिटिव आया, इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो उससे मिनिमम निकाल के देगा, और मिनिमम अमाउंट कितनी आएगी वही आएगी। देखो अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो कोई मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अगला जो क्वेश्चन है वो करवाऊँ तो उसमें ज़्यादा क्लियरिटी होगी। इसको नोट कर लो, वैसे तो आपके पास है, मैं आगे कराता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करवाऊँ, और देखो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन करवाते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर पांच, पांचवा इलस्ट्रेशन निकाल लो। लो इलस्ट्रेशन नंबर पांच करा रहे। इसमें लिखा है था कॉस्ट फंक्शन इज, ये लो कॉस्ट फंक्शन वन बाय थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस फाइव एक्स की पावर टू प्लस सेवेंटी फाइव एक्स, और क्या लिखा है प्लस टेन। ये कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और क्या कह रहे हैं, फाइंड एट विच लेवल द मार्जिनल कॉस्ट अटेंड इट्स मिनिमम, फाइंड लेवल एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। ये कह रहे हैं कि आपका वो लेवल बताओ जिसमें मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम हो। तो सबसे पहली बात है जिस चीज को मिनिमम करने के लिए बोल रहा है वो होनी चाहिए। तो ये तो कॉस्ट है, इसको पहले मार्जिनल कॉस्ट बनाना, फिर मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन, ऐसे कर लेना। एक और पॉइंट है, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द लेवल एंड व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, मतलब वो अमाउंट भी बतानी है कि सबसे कम आएगी तो वो कितनी आएगी। देखो देखो सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले तो किस चीज को मिनिमम करना है, मार्जिनल कॉस्ट को। तो आपके पास पहले मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन कहिए, तो डी सी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट का करना है। इन दोनों को इंटू, इन दोनों को इंटू करेंगे तो थ्री इंटू थ्री तो थ्री बाई थ्री तो वन हो गया। तो इसका मतलब हो गया एक एक्स की पावर स्क्वायर, इससे इंटू हो गया ना वो, ठीक है, माइनस दस एक्स की पावर एक प्लस सेवेंटी फाइव, एक्स हट गया और डिफरेंशिएशन जीरो होती है वो तो हट गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। अब वो अपनी लाइन लिखेंगे इन ऑर्डर दैट, क्या लिखना है बता दिया था पहले ही, इन ऑर्डर दैट मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम द डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो एंड द डिफरेंशिएशन
dy डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। ये लाइन हमें लिख देनी है, हालांकि हो जाता है वो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज हो गई हमारे पास, आपको जिसको मिनिमम करना है वो होनी चाहिए, तो ये है हमारे पास। इसको मैं मिनिमम करना चाहता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन करना। लो जी नेक्स्ट आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका तो कर दिया, इसका करा था तो मार्जिनल कॉस्ट आया, और मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम करना है तो उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो ये लो, इसमें आ जाएगा डिवाइड डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, 2 × 1, तो 2x, 10x है माइनस 10, और इसका कुछ नहीं होगा, इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन ये हो गया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये 0 हो गया, तो इक्वल टू करके 10 इधर से इधर ट्रांसफर हो गया, और ये 2 उधर से नीचे ट्रांसफर हो गया, 2 हो गया, इक्वल टू 5 आया। इसका मतलब ये है कि x हमारा 5 होगा। अगर x हमारा 5 होगा तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम आएगी। अब मैं इसका एक और डिफरेंशिएशन कर देता हूँ अगेन, मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, वो ये है कि dy डिवाइडेड बाई dx का स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएशन करो तो इस वाली को करो, इसकी लाइन को डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो 2x है तो ये हो गया 2, विच इज पॉजिटिव। हेंस इफ x इक्वल टू 5 देन मार्जिनल कॉस्ट अटेन मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, ये आएगी। और मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी वो यहां आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू कुछ नहीं करना, 5 रख देना है इस फंक्शन में, तो ये हो गया 5 की पावर 2 माइनस 10x प्लस 75, ये हो गया 10, ये 5 आएगा, ये 50 प्लस 75, 85 माइनस 50 35, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। ये क्यों हुआ, अच्छा ये मैंने गलत कर दिया, और रुको, 5 को स्क्वायर करो ना, 25 आएगा, और ये 50 आएगा, 75 आएगा, 100 माइनस 50, तो आंसर 50 आएगा, ठीक है ना। ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है 50, जो कि है मिनिमम, किस लेवल पर, 5 के लेवल पर। अगर आउटपुट 5 होगा तो ये 50 होगी, ठीक है। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 था। ऐसे ही हमारे पास और है इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये लो। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में भी यही है, द कॉस्ट फंक्शन सी फॉर द कमोडिटी क्यू इज गिवन बाय सी। कॉस्ट फंक्शन दे रखा है क्यू, एक्स की जगह क्यू दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सिंबल है। इसके पावर हो गई 3 − 4³² है प्लस 6³, ठीक है। और इसमें लिखा है फाइंड एवरेज कॉस्ट, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर विच एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम। पहले तो कह रहा है एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो, ये लो। मैं इस क्वेश्चन में ये कह रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में कहा था मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, तो ये कह रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। तो सबसे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपके पास होनी चाहिए। इसमें कुछ नहीं है, क्यू का डिवाइड कर दो, क्यू आउटपुट है इसमें, तो इसमें क्या करना है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 4q हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। ये आपका फंक्शन आ गया जिसको हमें मिनिमम करना है। दूसरी बात में आपको लिखना है इन ऑर्डर टू, ये लाइन पूरी लिखनी है, इन ऑर्डर दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम मिनिमम, तो डी वाई इक्वल डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड dy डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। ये हमने लाइन लिख दी, हाँ ठीक है लिख दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके बाद dy dx कर, अब d यहां पे करेंगे dy डिवाइड बाई dx, dx की जगह dq लिख दो क्योंकि x नहीं है, q है ना,
क्यू है, क्यू है तो क्यू लिख दो, कोई बात नहीं, क्यू है ना, एक्स की जगह क्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये कह रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका क्यू स्क्वायर है ना, तो ये आएगा दो टू क्यू, माइनस में फोर क्यू है तो माइनस फोर, क्योंकि क्यू एक है, एक में से एक चला गया तो खत्म हो गया, प्लस सिक्स नहीं आएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब क्यू बराबर प्लस का है उधर माइनस चला गया, तो ये तो हो गया चार, इधर इंटू में डिवाइड चला गया दो इक्वल टू टू। इसका मीनिंग ये है कि अगर q दो होगा, समझा दिया मैंने, इतनी बार समझा दिया, दो तीन बार आ गया ये, q अगर दो होगा तो ये मिनिमम होगा। बस यही लाइन लिखनी है, अगेन अगेन डी वाई डी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, अब इसको करो, पहले अपन ने इसको करा, अब इसको करो, तो इसमें आएगा टू क्यू है ना, तो इधर टू आएगा, क्यू एक है, एक में से एक चला गया, कम हो गया, चार का कुछ होता नहीं है, जीरो आता है, तो ये विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव, हेंस हेंस इफ क्यू इक्वल टू टू देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम। इस क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट मिनिमम कितनी होगी वो नहीं पूछा है, बस इसने लेवल ऑफ आउटपुट पूछा है, तो हमने बता दिया लेवल ऑफ आउटपुट ये है। सातवें इलस्ट्रेशन में भी इसने पूछा है, लेकिन इसने दो चीजों के बारे में पूछा है। सातवें इलस्ट्रेशन में कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मिनिमम होनी चाहिए, तो दो आंसर निकालने हैं, ये आप कर लेना, दो बार निकालना है दो मार्जिनल कॉस्ट और उसका। मैं आपको आठवां इलस्ट्रेशन करवाता हूँ ताकि सातवां आप खुद कर लेना, ठीक है, आठवां करवा देते हैं। सिंपल सी बात है, जिस फंक्शन को वो मिनिमम करने के लिए कहे, आप वो फंक्शन लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर उस डिफरेंशिएशन का डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर आठ, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, कॉस्ट इक्वल टू 300x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1/3x³, बस। और कह रहा है कैलकुलेट करो, ये कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कैलकुलेट करो आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, यानी कि पहला पॉइंट ये है कि मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम करना है, मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। देखो ये हेडिंग हो गई मेरी, मैंने लिख दी हेडिंग कि मेरे को ये करना है, तो सबसे पहला काम आपका मार्जिनल कॉस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये क्या है, ये कॉस्ट है, पहले मार्जिनल कॉस्ट करो, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डीसी डिवाइडेड बाय डीएक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन करो, 300x की पावर में एक है, एक में से एक चला गया तो गायब हो गया, ठीक है, माइनस 10x² तो 10 × 2 = 20, x की पावर में दो है तो एक कम हो जाएगा तो एक रह जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1/3 x की पावर 3 तो ये 3 × 1 हो जाएगा, इंटू हो गया ना तो ये एक आ गया, तो इसका मतलब हो गया x की पावर में स्क्वायर, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। अब इसको मिनिमम करना है, तो इसको मिनिमम करना है तो आपको यहां लिखना है इन ऑर्डर दैट मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। अगर मार्जिनल कॉस्ट आपको मिनिमम चाहिए तो आपका जो डिफरेंशिएशन है dy/dx इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड डबल डिफरेंशिएशन dy/dx स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये हमने लिख दिया,
इसको अब हमें सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डीवाई डिवाइड बाय डीएक्स करते हैं, इसका करो तो 300 है तो 300 तक कुछ नहीं होता। इसको अपन इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, अपन इधर से भी कर सकते हैं, अपन इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। हम जैसा दे रखा है वैसा कर लेते हैं। 300 का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो मैंने लिखा ही नहीं है। माइनस 20, तो माइनस 20 एक्स हट गया, प्लस 2 इंटू 1 तो 2 और एक्स की पावर में 1 आ गया इक्वल टू 0 इक्वल टू, ये माइनस है उधर प्लस हो गया तो 20 और ये एक्स है ये इंटू में डिवाइड में 2 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। आपका जो एक्स है वो 10 है, यहाँ पर अगेन डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स की स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका तो कुछ आएगा नहीं, इसका आ जाएगा 2, ये आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। हेंस इफ एक्स इज इक्वल टू 10 देन मार्जिनल कॉस्ट अटेन मिनिमम, या मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। ये लो, हेंस इफ एक्स इज इक्वल टू 10 देन मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, इसमें ऐसे ही दूसरा पॉइंट दे रखा है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है कि आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। अब एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम यानी एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, अब जब बोल रहे हैं एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है तो आपके पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए। तो एवरेज कॉस्ट कैसे आती है, कॉस्ट में एक्स का डिवाइड करने से, तो 300 माइनस 10x, भाई एक एक एक्स कम हो जाएगा, प्लस 1/3x का स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, वो अगेन वही हो गया, इन ऑर्डर दैट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ही तो आ रहे थे यहाँ पे, आ जाता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स करना है, इसका डिफरेंशिएशन। 300 का कुछ नहीं होता, माइनस 10 का एक्स है तो माइनस 10 होता है, प्लस है प्लस, 2 को इंसिडेंट 2/3 होता है, 2/3 एक्स होता है, अब पावर 2 है, इसमें से एक कम हो गया तो एक पावर हो गई इक्वल टू 0 होता है। ये 10 माइनस का इधर से इधर चला जाता है तो प्लस में हो जाता है, और ये एक्स है 2/3 एक्स है, तो ये एक्स होता है 10 डिवाइडेड बाई 2/3, इसको उल्टा कर दो, इसको इंटू कर दो ना, तो 10 इंटू 3/2, ये तो 10वीं क्लास की गणित है। 5 हो गया, 5 3 15 आ रहा है, नहीं गणित 15 आ रहा है, तो ये 15 हो गया एक्स। बस अगेन कर दो, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10 का, तो माइनस 10 में कुछ नहीं आएगा, 2/3 का एक्स है तो कुछ नहीं है, तो भाई आ जाएगा 2/3 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। हेंस इफ एक्स इज इक्वल टू 15 देन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, विल बी मिनिमम, जो भी लिखना है लिख सकते हो। ओके, ऐसे हमारे पास इसने दो एक चीज और बोली है, तीसरा पॉइंट क्या है, ये अलग है, इसने जो बोला वैसे कर देंगे। इसने कहा है आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो ये कह रहा है आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, हमें यह करना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, सिंपल सा
मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट फंक्शन लिखो और फिर उसको इक्वल टू में जीरो कर दो। जैसे मार्जिनल कॉस्ट क्या है, पहले दोनों निकलेगी, अरे यार मार्जिनल कॉस्ट उसमें से हटा दी क्या, हाँ हटा दी, कोई बात नहीं। तो 300 माइनस 20x आप चेक कर लेना, यही थी, प्लस x की स्क्वायर, ये थी मार्जिनल कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट ये थी 300 माइनस 10x प्लस 1/3x की, ये। इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि आप आउटपुट बताइए जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो। तो आपको सिंपली ये इक्वेशन बनानी है, पहले मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, अरे यार हाँ, अरे क्या है आवाज आ रही है, लो तो क्या करें, मार्जिनल कॉस्ट 300 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसमें मिनिमम की बात थोड़ी ना करी जो हम बराबर जीरो करेंगे वो, तो अभी नहीं करना, करना तो है लेकिन वो ऐसे नहीं होगा, अभी वो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को बराबर की बोल रहा है ना, कि तो पहले उसका एक फंक्शन निकालेंगे दोनों को इक्वल करके, 300 माइनस 10x प्लस 1/3x स्क्वायर। अब इससे एक फंक्शन निकालते हैं अपन, फंक्शन कैसे निकालेंगे, सारे x को इधर ले आओ, मतलब वही है वो, उसको उठा के इधर ले आओ और बराबर में जीरो कर दो, तो उसको उठा के सबको इधर ला रहे अपन, 300 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर से इधर आ गया माइनस 300, ये इधर से इधर आ गया प्लस 10x, उधर से इधर आ गया माइनस 1/3x स्क्वायर, बराबर में जीरो कर दो, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, इसका मतलब उधर से इधर आके माइनस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये बराबर में जीरो हो गया। बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना आ गया आंसर, 300 ये है प्लस के, ये है माइनस के, तो ये तो कट हो गया, मतलब ये जीरो हो गया, माइनस 20x है प्लस के 10x है, इसका मतलब माइनस के 10x बच गए, दसवीं क्लास ये तो, प्लस के x स्क्वायर, प्लस के x स्क्वायर और माइनस का 1/3x स्क्वायर, तो एक में से ये एक है, एक में से 1/3 माइनस हो गया तो 2/3 बच गया, तो वो हो गया प्लस में 2/3x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा फंक्शन आ गया। अगर हम देखें ना तो ये फंक्शन है हमारा, कौन सा फंक्शन है ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, अब इसमें देखो और भी तो क्या कर सकते हैं, इसमें डिवाइड हो गया ना, सॉल्व भी कर, हाँ सॉरी मैं क्या मैं भटक गया, इसको सॉल्व ही तो करना है, देखो इसका एलसीएम ले लो, है ना, ये है 10x प्लस 2/3, तो आप एक काम करो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 आ गया, है ना, तो इसके डिवाइड में एक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे करते, देखो ये है एलसीएम ले लो इसका, 3 का 3 एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे तो एक है, 1/3 × 3 तो माइनस के 30x, माइनस का 30x और प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, तो बराबर में तो जीरो नहीं है, ठीक है, वो मैंने एलसीएम ले लिया तो वो नीचे से x हट गया। अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन ले लो, इसको सही कर दो भाई, इसको ना सही कर देता हूँ, चलो इसको ऐसे ऐसे लिख दो, 2x स्क्वायर, नहीं इसको लिखने की जरूरत ही क्या, हाँ ये हो गया ना, इसका एलसीएम हमने ले लिया तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, ये लो माइनस, ये क्या बच गया, माइनस का 30x प्लस 2x स्क्वायर, इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा 2, तो 2 को 2x आ जाएगा कॉमन, 2x 2x कॉमन हो गया, इसमें 2x निकल जाएगा, इसमें भी 2x निकल जाएगा, तो बच गया कितना, माइनस का 2 × 15 और x में से x कम हो गया, तो प्लस
टू एक्स स्क्वायर है और इधर 2x है, तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा x और इक्वल टू जीरो। कॉमन वाला तो हट गया ना, अब बचा माइनस के 15x, इस कॉलम को ले लो x बराबर 15। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो x बराबर 15 आ रहा है। इसका मतलब है अगर x 15 है तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज सॉरी वेरिएबल कॉस्ट दोनों बराबर होगी। निकाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 15 रखूंगा मैं इस पर, तो 300 माइनस 20 15 प्लस 15 का स्क्वायर 300 माइनस, मेरे पास कैलसी भी नहीं है, 15 इंटू प्लस 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। तो ये आ गया 225। अब एवरेज कॉस्ट इक्वल टू 300 माइनस 10 15, एक्स की जगह 15 रखना है बस, प्लस 1/3 15 का स्क्वायर। तो ये आया 300 माइनस 150 प्लस 15 इंटू, तो 225 आ गया, और 225 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है, 300 में से ये चला गया तो कितना बच गया, ये तो 150 बच गया, 150 प्लस इसमें डिवाइड करोगे तो 7 और ये आएगा 5, 225। देखो दोनों सेम आ रही है, प्रूव भी है, ये प्रूव्ड प्रूव्ड दैट इफ x इक्वल टू x इज इक्वल टू 15 देन मार्जिन कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल, ठीक है। आज की क्लास में हम यही कर रहे हैं, हमने कहाँ तक किया है, 8वें क्वेश्चन तक किया है, आप इसका 9th भी करोगे है ना, और 10th रेवेन्यू से रिलेटेड है, वहाँ पे हम कॉस्ट फंक्शन की जगह रेवेन्यू फंक्शन पर बात करेंगे, हम अगली क्लास में करेंगे। मैं इसमें सारे क्वेश्चन करवाऊँगा आपको, एक ए टू जेड क्वेश्चन करूँगा, लगभग इसमें कितने क्वेश्चन हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको सारे क्वेश्चन करवाऊँ, और ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8 हो गए, अब बाकी के जो है हम बाकी के जो भी है अब अगली क्लास में देखेंगे, और उसके लिए अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन भी दबा दें और बेल आइकन को क्लिक करके, ताकि हमारी अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।